अस्सलामुअलैकुम। मेरी आज की इस ख़ास और एक और नई रिएक्शन वीडियो में आप सबका फिर से खुश आमदीद। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनको अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम बतूल है और आप देख रहे हैं चैनल बतूल रिएक्स। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियोस जो कि खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब की मुकद्दस किताबों के मुताबिक नहीं देखी हैं, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो सारी वीडियोस देखें ताकि वो हकीकत से वाकिफ हो सकें। मेरी पिछली वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको हिदायत मिलेगी और आप उन हकीकत से वाकिफ होंगे जो कि गैर इस्लामी मज़ाहिब के आलिम आपसे छुपाते हैं। आज की इस खास वीडियो का मौजू कुछ यूँ है, मज़हब इस्लाम में खुदा का तस्वुर कुरान और हदीस के मुताबिक। ये जानेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक से। अब बिना वक्त जाया किए चले वीडियो का आगाज करते हैं। मुसलमान अल्लाह सुबहाना व ताला को अरबी लफ्ज अल्लाह से पुकारना क्यों पसंद करते? हम मुसलमान अल्लाह सुबहाना व ताला को अरबी लफ्ज अल्लाह से पुकारना पसंद करते क्योंकि ये अरबी लफ्ज अल्लाह यूनिक है, हटके है, अलग है, इसमें कोई इंसान मिलावट नहीं कर सकता। बाकी जितने अल्लाह के जो तर्जुमे हैं उसमें इंसान मिलावट कर सकता है। मिसाल के तौर पे अंग्रेजी में कहते हैं गॉड, गॉड को अगर जोड़ेंगे एस हो जाता है गॉड्स, यानी हो से खुदा। इस्लाम में अल्लाह की जमा नहीं है, कुल हो अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है। हम गॉड को जब जोड़ते हैं डी ई एस एस हो जाता है गॉडेस, यानी मुअन्नस खुदा। अल्लाह सुबहाना व ताला का कोई जिन्स नहीं, ना मुज़क्कर ना मुअन्नस। अल्लाह इज़ अ यूनिक वर्ड, अलहदा है, हटके है। जब हम गॉड को जोड़ते हैं फादर, हो जाता है गॉड फादर, वो मेरा गॉड फादर है, वो मेरा आका है, वो मेरा पालने वाला है। हम कहते हैं ना ही इज़ माई गॉड फादर। इस्लाम में अल्लाह फादर अल्लाह अब्बा जैसा कोई लफ्ज़ नहीं। हम जब गॉड को जोड़ते हैं मदर, हो जाता है गॉड मदर। अल्लाह मदर या अल्लाह अम्मी जैसा कोई लफ्ज नहीं। अल्लाह एक हटके लफ्ज है, यूनिक। जब हम गॉड के आगे लगाते टिन, हो जाता है टिन गॉड, मतलब फेक गॉड। इस्लाम में टिन अल्लाह जैसी कोई चीज नहीं। इसीलिए हम मुसलमान अल्लाह को अरबी लफ्ज अल्लाह से पुकारना पसंद करते हैं। और जितने भी तर्जुमे हैं वो सही तर्जुमे नहीं। मिसाल के तौर पे उर्दू में होता है खुदा, खुदा का हो जाता है खुदा ओ। हिंदी में करेंगे देव, हो जाता है देवी, देवता। ईश्वर हो जाता है परमेश्वर। सब में मिलावट हो सकती है, इसीलिए मैं कहता हूं हम मुसलमान अल्लाह को अरबी लफ्ज अल्लाह से पुकारना पसंद करते। लेकिन जब कोई मुसलमान गैर मुसलमान से अल्लाह का जिक्र कर रहा है और वो गैर मुसलमान अल्लाह के बारे में नहीं जानता है, और जब आप इसका तर्जुमा करते अंग्रेज़ी में गॉड या उर्दू में खुदा, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि गॉड या खुदा या ईश्वर अल्लाह सुबहाना व ताला का सही तर्जुमा नहीं है। लेकिन दावती मैदान में जब गैर मुसलमान से आप बात कर रहे, जिस तरीके से मैं आज तकरीर में खुदा कह रहा हूं, गॉड कह रहा हूं, तो दावती काम के लिए चल जाएगा। लेकिन फिर भी याद दिलाना चाहता हूं कि ये गॉड खुदा ईश्वर अल्लाह का सही तर्जुमा नहीं है। और अल्लाह सुबहाना व ताला की जो सिफत है वो यूनिक होना चाहिए, हटके, अलग। जब भी आप सिफात बयान करेंगे फौरन सिर्फ अल्लाह की तरफ उन सिफात का इशारा होना चाहिए। अगर वो सिफत अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ इशारा करती है तो वो सही सिफत नहीं है। मिसाल के तौर पे
आप जानते होंगे एक इंसान जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। आप शायद जानते होंगे कि सबसे पहला इंसान जिसने चांद पर कदम रखा उसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। आप जानते हैं कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? जानते हैं, माशाल्लाह आपका इल्म बहुत गहरा है। अगर मैं कहूंगा कि नील आर्मस्ट्रांग एक एस्ट्रोनॉट था, मैं सिफत तो सही है, लेकिन जब मैं उस सिफत को उल्टा करूंगा, हु वॉज एन एस्ट्रोनॉट, कौन एस्ट्रोनॉट था, आप हजारों इंसान का नाम ले सकते जो एस्ट्रोनॉट थे, वो एक यूनिक सिफत नहीं है। उसी तरीके से मैं कहूंगा कि नील आर्मस्ट्रांग एक अमेरिकन था, सिफत तो सही है लेकिन यूनिक नहीं है, इलाइदा नहीं है, हटके नहीं है। अगर मैं उस सेंटेंस को उल्टा करूंगा, हु वॉज एन अमेरिकन, अमेरिकन कौन है, आप लाखों नाम दे सकते हैं जो अमेरिकन है। तो ऐसी सिफत दो जो सिर्फ उस शख्स की तरफ इशारा करे। मिसाल के तौर पे मैं कहूंगा नील आर्मस्ट्रांग वॉज द फर्स्ट मैन हु सेट फुट ऑन द मून। आप जब इस जुमले को उल्टा करते हैं, हु वॉज द फर्स्ट मैन हु सेट फुट ऑन द मून, सबसे पहला इंसान कौन था जिसने चांद पे कदम रखा, जवाब है नील आर्मस्ट्रांग, एक ही जवाब। तो ऐसी सिफत होना चाहिए जो जवाब सिर्फ एक होना चाहिए। इसी तरीके से जितनी भी सिफात अल्लाह के है वो सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू होना चाहिए। अगर मैं कहूंगा नऊज़बिल्ला कि अल्लाह एक बिल्डिंग को बनाने वाला है, ठीक है अल्लाह बिल्डिंग को बना सकता है, लेकिन मैं कहूंगा कौन बिल्डिंग को बना सकता है, आप हजारों बिल्डर का नाम लेंगे बंबई में जो बिल्डिंग बना सकते। तो ये सिफत यूनिक होना चाहिए। अगर मैं कहूंगा अल्लाह सुबहाना व ताला कायनात के खालिक है, जुमले को उल्टा कीजिए, कौन कायनात का खालिक है, जवाब सिर्फ है अल्लाह। जो सिफत यूनिक होना चाहिए, इलाइदा होना चाहिए, हटके होना चाहिए, अलग होना चाहिए। इसी तरीके से अर रहमान, अर रहमान कौन है, सिर्फ अल्लाह। अर रहीम, अर रहीम कौन है, सिर्फ अल्लाह। तो जितनी सिफात अल्लाह की है वो यूनिक होना चाहिए, इलाइदा होना चाहिए, हटके होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ये जरूरी है। दूसरी बात, अल्लाह की सिफत के साथ उसके मखलूकात की सिफत नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि अल्लाह कायनात का मालिक है और अल्लाह भूल सकता है, क्योंकि भूलना इंसान की सिफत है, अल्लाह की नहीं। तो सही सिफत के साथ गलत सिफत नहीं जोड़ सकते। और अगर तीन चार सिफत है अल्लाह की, सिर्फ अल्लाह की तरफ आपको रुजू करना चाहिए, और सारी सिफात सिर्फ अल्लाह की होना चाहिए, दूसरी की सीखी नहीं, ये जरूरी है। फिर कुछ इंसान मुझसे कहते हैं कि ये खुदा सिर्फ एक क्यों, एक से ज्यादा क्यों नहीं हो सकते। कुरान मजीद में लिखा है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 22 में, अगर एक से ज्यादा खुदा होते तो इस कायनात में कंफ्यूजन होता और आपस में झगड़ा होता। अगर एक से ज्यादा खुदा होते तो कायनात में कंफ्यूजन होता, आपस में झगड़ा होता है, इसीलिए खुदा एक ही हो सकता है। मैं जानता हूं कई दिगर मजाहिब में लोग गलत तसव्वुर करने के बाद ये समझने लगते हैं कि बहुत से खुदा है और एक खुदा दूसरे खुदा से झगड़ रहा है, एक खुदा दूसरे खुदा की मदद लेता है तीसरे खुदा को हराने के लिए, एक खुदा दूसरे खुदा का कत्ल कर रहा है। तो कुरान में सही लिखा है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 22 में कि कई मैथोलॉजीज में अगर एक से ज्यादा खुदा होगा तो आपस में झगड़ा होगा। लिखा है सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 91 में कि अल्लाह डज नॉट बिगेट अ सन, अल्लाह सुबहाना व ताला बेटा नहीं जनता, और अगर एक से ज्यादा खुदा होते तो हर खुदा अपनी चीज लेके दूसरे पे थोपता, इसीलिए खुदा सिर्फ एक ही हो सकता। और कुछ लोग समझते हैं कि एक अलग खुदा है हवा के लिए, अलग खुदा है आग के लिए, अलग खुदा है पानी के लिए,
हम पसंद करेंगे कि एक महान खुदा है जो सब पे कादिर है, जो सारी चीजों पे कादिर है, बनिस्बत 50 या 100 खुदा जो एक एक चीज का मालिक है। इसीलिए खुदा अकल से सोचे तो एक ही हो सकता है, ईश्वर एक ही है। इसीलिए सारे ग्रंथों में जब मुताला करेंगे तो लिखा है कि ईश्वर एक ही है और उसी की इबादत करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं जब इस्लाम के अलावा दूसरे मजहब की किताबों का मुताला करते हैं तो पता चलता है कि एक खुदा के मानने के अलावा और कई बार दूसरी चीजें भी लिखी गई है। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 79 में, فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لِّمَن كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لِّمَن يَكْسِبُونَ। लानत है उन लोगों पर जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं और कहते हैं कि यह अल्लाह की तरफ से है। लानत है उन लोगों के हाथों पर और लानत है वो पैसों पर जो वो कमाते हैं। तो कुरान में लिखा है कि कई इंसान अपने हाथों से किताब लिखते हैं और कहते हैं कि ये खुदा की तरफ से है। इसीलिए कुरान के अलावा जितनी भी किताबें पहले आए उसमें मिलावट हो चुकी है। कुरान एक वाहिद किताब है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि मैंने कुरान को नाजिल किया हूं और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। तो कुरान के अलावा जितने भी पहले ग्रंथ आए, जितनी भी पहले किताबें आए, उनमें मिलावट हो चुकी है, उनमें मिक्सचर है, इंसानों ने उनमें मिलावट की। और सारे मजहब के विद्वान, चाहे ईसाई विद्वान हो, हिंदू विद्वान हो, यहूदी विद्वान हो या दिगर मजहब के विद्वान हो, वो कहते हैं कि उनकी किताबों में मिलावट हो चुकी है कुरान के अलावा। और इस्लाम के क्रिटिक विलियम मोर, जो इस्लाम के खिलाफ है, फिर भी वो लिखते हैं एक वाहिद मजहबी किताब जो 1200 साल तक के बिना मिलावट के है वो है कुरान। ये उसने कहा था 200 साल पहले। दुश्मन इस्लाम भी कहते हैं कि कुरान में मिलावट नहीं है। इसीलिए एक ईश्वर के अलावा कभी कभी आप इन किताबों में यह भी पाएंगे मिलावट, लेकिन इन मिलावट के बावजूद अल्लाह सुबहाना व ताला ने सारे मजहबों के ग्रंथ में, सारे मजहबों की किताब में वहदानियत को महफूज रखा है, खुदा एक है महफूज रखा है। मिलावट के बावजूद सारे मजहब की किताब आप पढ़ेंगे, ईसाई हो, यहूद मजहब हो, सिखिज्म हो, पारसीज्म हो, हिंदू मजहब हो, सारे मजहब की किताबों में वहदानियत अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। तो जो भी इंसान खुदा में मानता है उसे मानना पड़ेगा खुदा एक है, उसका कोई अक्स नहीं है, और सिर्फ उस खुदा की इबादत करना चाहिए और उसके साथ किसी और को शरीक नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक मतलब खुदा के बारे में कहते भी नहीं है, ये भी नहीं कहते कि नहीं, उन्हें कहते एग्नोस्टिक। कुछ लोग होते हैं एथियस्ट, खुदा में नहीं मानते। ये लोग अगर मेरी तकरीर सुनेंगे जो पहले साल के कॉन्फ्रेंस में मैंने दिया था अंग्रेजी में, इज द कुरान गॉड्स वर्ड, क्या कुरान खुदा का कलाम है, अगर कोई भी इंसान जो अनबायस्ड है, खुले जहन से इस तकरीर को सुनेगा, उसे इंशाअल्लाह यकीन होगा कि ये कुरान मजीद उस खुदा का कलाम है और खुदा एक है और उसकी इबादत करना फ़र्ज है। हम मुसलमान सिर्फ ये नहीं मानते कि खुदा एक है, ये काफ़ी नहीं। मोनोथियज़म के मानी खुदा एक है, ये मानना काफ़ी नहीं। हम मुसलमान मानते हैं तौहीद में। तौहीद आता है अरबी लफ्ज़ वहदा से, मतलब यूनिफिकेशन, मतलब वहदानियत, टू यूनाइट, टू कंसोलिडेट। सिर्फ एक खुदा में मानना काफ़ी नहीं है, इस्लाम में तौहीद में मानना फ़र्ज है। और तौहीद के तीन किस्में हैं। पहला है
तौहीद रुबूबिया, दूसरा है तौहीद अस्मा व सिफात, और तीसरा है तौहीद इबादा। पहली किस्म है तौहीद रुबूबिया, मतलब सारी कायनात का रब एक है और जितनी भी चीज़ें कायनात में हैं सारी चीज़ों को ज़रूरत है उस रब की, लेकिन इस रब को कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन हिम बट ही इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। इसे कहते हैं तौहीद रुबूबिया। हम मानते हैं कि हमारा खालिक, हमारा रब, हमारा पालने वाला सिर्फ एक ही रब है और सारी चीज़ें जो कायनात में हैं उनको ज़रूरत है उस रब की और उस रब को हमारी ज़रूरत नहीं, कोई भी चीज़ कायनात में उसको ज़रूरत नहीं। दूसरी किस्म है तौहीद अस्मा व सिफात, मतलब खुदा, अल्लाह की सिफात और अल्लाह के नाम। इस तौहीद अस्मा सिफात के 5 नुक्ते हैं। पहला नुक्ता है कि अल्लाह को उस तरीके से डिस्क्राइब करना चाहिए, जब अल्लाह के बारे में आप कहते हैं तो उस तरीके से कहो जिस तरीके से अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा। हम अपने दिमाग से अल्लाह को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जिस तरीके से अल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बारे में जिक्र करा उसी तरीके से हम कह सकते, हम अपने दिमाग से अल्लाह को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। दूसरा नुक्ता, अल्लाह की सिफात वही है जो अल्लाह ने अपने आप को कहा या अल्लाह के रसूल ने कहा। आप अपने आप अल्लाह को सिफात नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा है कि अल्लाह को गुस्सा आता है। हम ये नहीं कह सकते अल्लाह की सिफात अल-गादिब, गुस्सा होने वाला। अल्लाह गुस्सा होता है लेकिन अल्लाह या अल्लाह के रसूल ने कभी भी नहीं कहा कि अल्लाह की सिफात है गुस्सा होने वाला, अल-गादिब, गलत है। सिर्फ वो सिफात देना चाहिए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दी। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो नाम अल्लाह को दिया है सिर्फ उससे हम पुकार सकते हैं। तीसरा नुक्ता, जो अल्लाह की मखलूकात की सिफात है वो हम अल्लाह को नहीं दे सकते। हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह सुबहाना व ताला झूठ बोलता है। झूठ बोलना इंसान की सिफत है। हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह सुबहाना व ताला भूल गया। भूलना अल्लाह की मखलूक इंसान की सिफत है। चौथा नुक्ता, अल्लाह की सिफात आप उसके मखलूकात को नहीं देख सकते। जो अल्लाह की सिफात है, जो इंसान है या मखलूकात है, उसको आप नहीं देख सकते। आप नहीं कह सकते क्या मैं जानता हूँ एक इंसान जो लाफानी है। लाफानी अल्लाह की सिफात में से है, इंसान लाफानी हो ही नहीं सकता। और पांचवा नुक्ता है कि अल्लाह का नाम किसी इंसान को आप नहीं दे सकते। अगर देना चाहते हैं उसके आगे अब्द लगाना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आप किसी इंसान को अल्लाह नहीं कह सकते, कहना है तो अब्दुल्ला कह सकते, अल्लाह का अब्द, अल्लाह का बंदा। रहमान नहीं कह सकते, अब्दुल रहमान कह सकते, रहमान का बंदा। और आप अब्द किसी इंसान के आगे नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते अब्दुल रसूल, ये गलत है। अब्द बंदा सिर्फ अल्लाह का हो सकता है इंसान। ये 5 नुक्ते हैं तौहीद अस्मा व सिफात के। तौहीद की तीसरी किस्म है तौहीद इबादा, मतलब हमें सिर्फ इबादत अल्लाह की करना चाहिए, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए। आप अल्लाह को रब मानते, अल्लाह को अच्छे नाम से पुकारते, अच्छे सिफात देते, लेकिन अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करे, किसी और की इबादत करे, तो ये तौहीद इबादा के खिलाफ है। इबादत सिर्फ अल्लाह की होना चाहिए। अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करे तो ये तौहीद के खिलाफ है। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है सूरह यूनुस में, सूरह नंबर 10 आयत नंबर 31 में कहा जाता है मुशरिकों के बारे में, जब आप मुशरिकों से पूछेंगे कि इस कायनात में सारी चीज़ें किसने बनाई आसमान और ज़मीन के बीच में, इस कायनात में सुनने की कुव्वत किसकी है, कौन वो शख्स है जो सबसे पावरफुल है, इस कायनात में कौन है जो
मुर्दों में जान डालता है और जिंदों को मौत देता है। इस कायनात में सबसे पावरफुल कौन है? ये मुशरिक कहेंगे अल्लाह। फिर आप अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक क्यों करते? ये आयत में सूरह यूनुस में सूरह नंबर 10 आयत नंबर 31 में मुशरिक मानते थे तौहीद रुबूबिया में कि अल्लाह रब है, मानते थे तौहीद अस्मा सिफात, अच्छे सिफात है, लेकिन अल्लाह को मानने के अलावा दूसरों की भी इबादत करते थे, उन्हें कहा गया है मुशरिक। ये पैगाम दोहराया गया सूरह ज़ुख़रुफ में सूरह नंबर 43 आयत नंबर 87 में, जब आप उनसे पूछेंगे इन मुशरिकों से कि आपका खालिक कौन, वो कहेंगे अल्लाह, तो आप अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत क्यों करते? ये मुशरिक मानते थे कि हमारा खालिक अल्लाह है, लेकिन अल्लाह के साथ दूसरों की इबादत करते। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह यूसुफ में सूरह नंबर 12 आयत नंबर 106 में कि अक्सर लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते दूसरों को शरीक करने के बगैर, यानी अक्सर जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं अल्लाह के साथ दूसरे की भी इबादत करते हैं। मतलब इंसान अक्सर जो अल्लाह की इबादत करते हैं, खुदा की इबादत करते, ईश्वर की इबादत करते हैं, उस खुदा के साथ दूसरों को भी शरीक करते हैं, दूसरे की भी इबादत करते हैं। और अगर इस तौहीद में इन तीनों किस्मों में से एक भी किस्म का आप पालन नहीं करेंगे, एक भी किस्म को तोड़ते हैं, तो इसे अरबी में कहते हैं शिर्क। शिर्क मतलब पार्टनर, किसी को शरीक करना, और शरीयतन शिर्क मतलब अल्लाह के साथ किसी और की इबादत करना, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना, इसे कहते हैं अरबी में शिर्क। और कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह सुबहाना व ताला अगर चाहे तो आपके कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी भी नहीं माफ करेगा, क्योंकि जो इंसान शिर्क करता है वो बहुत बड़ा गुनाह करता है और बहुत दूर तक भटक चुका है। इसीलिए शिर्क कुरान मजीद में और इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है जो अल्लाह सुबहाना व ताला कभी भी नहीं माफ करेगा। अगर आपने शिर्क किया और मरने के पहले तौबा नहीं की, अगर आप मुशरिकाना हालत में मरे तो आपके लिए जहन्नम 100%। शिर्क के अलावा दूसरा कोई भी गुनाह करे आप, अगर अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है। अगर आपने शिर्क किए तो आप जरूर तौबा कीजिए, शिर्क करना बंद कीजिए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप जन्नत में जा सकते हैं। लेकिन अगर शिर्क की हालत में मरे तो अल्लाह सुबहाना व ताला खुदा ईश्वर आपको कभी भी नहीं माफ फरमाएंगे। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है जो मैंने इस तकरीर के शुरू में तलावत की उस आयत की जिसे मैं मास्टर की कहता हूँ, सारे तालों को खोलने वाली चाबी सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में लिखा है, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैननो बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तालो इला कलिमतिन सवाइम बैननो बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ अल्लाह में मानो, सिर्फ अल्लाह में मानना काफ़ी नहीं है, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह को मानना काफ़ी नहीं, अल्लाह की इबादत सिर्फ करना चाहिए, वो ज़रूरी है। वला नुश्रिका बिही शैयं, हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना करें। वला यत्तखीज़ अबादन अबादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, कि हम आपस में अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद ना बनाएं, ये ज़रूरी है। वला नुश्रिका बिही शैयं वला यत्तखीज़ अबादन अबादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ुलु शहदु बिअन्ना मुस्लिमून, और अगर इसके बाद वो लोग नहीं मानते तो हम गवाही देते हैं कि हम मुसलमान हैं,
हम अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह का कहना मानते हैं। यही पैगाम ईसा अलैहिस्सलाम ने दिया। कुरान मजीद में लिखा है सूरह माईदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72 में, लकद कफर लजीना कालू इन्नल्लाहुल मसीह इब्न मरियमा। वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो लोग कहते हैं क्या ईसा अलैहिस्सलाम इब्न मरियम अल्लाह है, वो लोग कुफ्र कर रहे। वकाल अल मसीह, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरा रब और आपका रब है। इन्नमा युश्रिक बिल्लाह, अगर अल्लाह के साथ किसी ने दूसरे को शरीक करा, फकद हर्रम अल्लाह अलैहिल जन्ना, जन्नत आपके लिए हराम हो जाएंगी। वमा वहु नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और आपके लिए जहन्नम की आग है और जालिम के लिए आखिरत में कोई मददगार नहीं। ईसा अलैहि सलाम फरमाते इन्नमा युश्रिक बिल्लाह, अगर अल्लाह के साथ कोई किसी को शरीक करता है, फकद हर्रम अल्लाह अलैहिल जन्ना, जन्नत उसके लिए हराम है। वमा वहुन नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और उसके लिए दोजख की आग है और जालिमों के लिए आखिरत में कोई मददगार नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में कि जो इंसान गलत खुदा की इबादत करते हैं, आप उन खुदाओं को गाली मत दो, वरना ये लोग जहालत में अल्लाह को गाली देंगे। लिखा है कुरान मजीद में सूरह लुकमान में सूरह नंबर 31 आयत नंबर 27 में, अगर आप इस दुनिया के सारे झाड़ को कलम में तब्दील करेंगे और सारे समुंदर, 7 समुंदर मिला के अगर इसे में तब्दील करेंगे, फिर भी आप इनसे अल्लाह सुबहाना व तआला के शब्द नहीं लिख सकेंगे। इस तकरीर को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ अल्लाह सुबहाना व तआला की आयत से, सूरह हज से सूरह नंबर 22 आयत नंबर 73 में, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए लोगो, इस बात को सुनो, जो कोई आपके मददगार है अल्लाह के अलावा, अगर ये सारे इकट्ठा हो गए एक मक्खी को बनाने के लिए, फिर भी ये लोग मक्खी को नहीं बना सकेंगे, और अगर मक्खी कोई खाना इनसे छीनेंगे तो ये लोग उस खाने को भी वापस नहीं ला सकेंगे। कमज़ोर है वो लोग जो गलत खुदा की इबादत करते हैं, और कमज़ोर लोग है। माशाल्लाह डॉक्टर साकिर नाइक ने बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की है। खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब की मुकद्दस किताबों के मुताबिक का मज़मून आज इख्तिताम पर पहुंचा है। उम्मीद करती हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब ये वाज़ेह हो चुका है कि वैदिक मज़हब में बुध, हवा, आग, पानी, सूरज, चाँद, तमाम कुदरती चीज़ें और इंसानों की बनाई हुई चीज़ों की इबादत करना हराम है। सिख मज़हब में खुदा का तसव्वुर उनकी मुकद्दस किताबों के मुताबिक वही है जो कुरान पाक में है, और गुरु नानक साहब मुसलमान थे क्योंकि वो भी एक खुदा को मानते थे, अल्लाह सुबहाना व ताला को अपना खालिक व मालिक मानते थे, और उनकी तालीमात भी अल्लाह सुबहाना व ताला की तरफ इशारा करती है। पारसी मज़हब में खुदा का तसव्वुर उनकी मुकद्दस किताबों के मुताबिक अल्लाह सुबहाना व ताला की तरफ इशारा है। यहूदियत मज़हब में भी खुदा का तसव्वुर उनकी मुकद्दस किताबों के मुताबिक अल्लाह सुबहाना व ताला की तरफ इशारा है। ईसाईत मज़हब में भी खुदा का तसव्वुर उनकी मुकद्दस किताबों के मुताबिक अल्लाह सुबहाना व ताला की तरफ इशारा है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुबहाना व ताला के भेजे गए एक अजीम पैगंबर थे। आज का हर इंसान किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले को सिर्फ अल्लाह सुबहाना व ताला पर ईमान रखना चाहिए और उसके भेजे गए आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों के आखिरी नबी हैं, और यही कल की अवतार हैं, विष्णु, यास और सुमति के बेटे। क़यामत तक के लोगों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
और आप सब कुछ हकीकत से वाकिफ हुए होंगे। मेरी पिछली तमाम वीडियोस जो कि खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब की मुकद्दस किताबों के मुताबिक की हैं, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि उन वीडियोस में जितनी वर्सेस की तफसीलात डॉक्टर जाकिर नायक ने पेश की हैं उन सारी तफसीलात और तशरीहात को आप अपनी मुकद्दस किताब को खोल कर खुद देखें और फैसला करें। जो हवाले डॉक्टर जाकिर नायक ने दिए हैं उन मुकद्दस किताब और हवालों को आप अपने मजहब के आलिम के पास ले जाएं और उनसे उन हवालों की तफसील पूछें। अगर कोई किताब आपके पास मौजूद नहीं है तो इंटरनेट पर PDF की सूरत में आपको आसानी से मिल जाएगी, वो भी हर जबान में। अपने खुदा को समझें, अपने दीन को समझें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कबीरा और सगीरा गुनाहों से महफूज रखे, हमें दिए गए हमें अपनी जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाएं। जिन चीज़ों और बातों को ममनू करार दिया गया है उनसे परहेज़ करें और ख़ुद को जहन्नुम की आग और आखरत की रसवाई से बचा लें। जिन चीज़ों का हुक्म दिया गया है उन पर अमल पैरवी करके अपने खुदा को राज़ी करके उसकी बनाई गई जन्नत में दाखिल हो जाएं। बिलाशुबा जन्नतों में वो नेमतें अल्लाह सुबहाना व ताला ने रखी हैं जिनका तसव्वुर ना कोई अकल कर सकी है और ना कोई अकल कभी तसव्वुर कर सकेगी। मेरा काम है आप तक तमाम मज़ाहिब के लिए हक और सच बात पहुँचाना, उन हक और सच बातों को आगे फैलाना आपका काम है और हिदायत देना मेरे अल्लाह सुबहाना व ताला का काम है, और उन हक और सच बातों को आपकी किताबों से साबित करने के बाद भी अगर कोई उन पर अमल नहीं करता तो बिलाशुबा आँखों के होते हुए वो अंधा, कानों के होते हुए वो बहरा और ज़बान के होते हुए वो गूंगा है। और जो शख्स खुद ही की मुकद्दस किताब की मुखालफत करता है और शिर्क करता है आप समझ जाएं कि उन पर जहन्नुमी की मोहर लग चुकी है, उन्हें कोई नहीं बचा सकता सिवाय अल्लाह सुबहाना व ताला के। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता फरमाएं, नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाएं और तमाम मुसलमानों को कुरान और हदीस और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन अल्लाहुमा आमीन। और तमाम हवा की बेटियों को हज़रत फातिमातुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। ये थी मेरी आज की वीडियो पर मेरा रिएक्शन। एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरी तमाम वीडियोस को लाइक करें, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरे भी हिदायत हासिल कर सकें। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर सब्सक्राइब करें। आप में से 93% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वो मेरी वीडियोस पर वक्त देखते हैं। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। जाने से पहले एक छोटा सा मैसेज हम सब के लिए। हुकूकुल अल्लाह और हुकूकुल इबाद फ़र्ज़ नमाजों की तरह अदा करें। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम। Thank you.